हेलो फ्रेंड्स, आज हमने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य का अध्ययन करना है। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में उसके अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्ता एवं उपयोगिता के तथा साथ ही साथ सामाजिक अनुसंधान में समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। आज सामाजिक अध्ययन अनुसंधान के उद्देश्यों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमने पहले भी अपने वीडियो में, जब हमने वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोधों में अध्ययन की बात की थी, तब भी समझा था। शोधकर्ता कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे सभी विज्ञानों में शोधकर्ता का प्रमुख कार्य है कि उसके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें वो कैसे शांत करें। तो इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधानों में भी शोधकर्ता के मन में अधिकांश से जो सबसे पहले प्रश्न उठते हैं वे हैं, क्या है, क्यों है, कैसे, अर्थात कोई घटना का क्या रूप है, वो घटना क्यों घटित हुई है और उस घटना के पीछे कौन से कारण हैं। इन सभी को जानने के प्रयास में वह एक अध्ययन, गहन अध्ययन करता है जिसके द्वारा उसे अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं जैसे कि अनेक सामाजिक शोधों के माध्यम से सिद्धांत ये देखने में आया है कि बाल अपराधी और अपराध गंदी बस्तियों में ही क्यों पनपते हैं। ये प्रश्न लगातार आते हैं कि वहाँ हमने अधिकांश तेने पनपते देखा। अब ऐसा ही एक नया प्रश्न हमारे सामने कि वर्तमान कोविड-19 की दशाओं में आत्महत्याओं की दर में वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि कोविड-19 स्वयं में जैसे वैश्विक बीमारी है हम सभी जानते हैं, तो इसके कारण समाज पर अनेक प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। उन्हीं कारणों के आधार पर हमें इस प्रश्न का जवाब ढूंढना होगा। इसी प्रकार गरीबों की तुलना में अमीरों में आत्महत्या की दर वर्तमान दशाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्यों? ऐसे जो प्रश्न जिन पर हमारे कुछ जिज्ञासाएँ प्राप्त होती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अनुसंधान करके नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, स्थापित सिद्धांतों एवं तथ्यों का पुनर्परीक्षण करते हैं। इसी आधार पर सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकार के उद्देश्य माने गए, एक सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरे व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य कौन से हैं, इस संबंध में पीवी यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक, यानी मतलब कि आज के समय के लिए हो या आने वाले समय के लिए, सामाजिक जीवन को समझकर उस पर अधिक नियंत्रण पाना। तो कोई भी सामाजिक अनुसंधान का एक ही उद्देश्य है महत्वपूर्ण,
कि हम अपने सामाजिक जीवन को किस प्रकार समझें जिससे कि हम उस पर अधिक से अधिक नियंत्रण पाकर जीवन को सुव्यवस्थित और सुचारू बना सकें। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधानों का जो सैद्धांतिक उद्देश्य में सामने आया कि निरंतर या उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि करना है। अब ये वृद्धि किस प्रकार से होगी, किन किन रूपों में होगी, अब हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यह सबसे पहले मानव समाज की संरचना को समझना। अब जैसे हमने पहले BA फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि समाज की एक संरचना होती है, उस संरचना के आधार पर समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कायम। तो हम उन व्यवस्थाओं को समझें उससे पहले जानना जरूरी है कि समाज की संरचना क्या है। अब समाज की संरचना में जो सामाजिक जीवन है उस समाज में होने वाली सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में ज्ञान होगा। मानव समाज की संरचना को समझने के पश्चात हमें विभिन्न सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंधों को समझना जरूरी है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना कुछ निश्चित कारणों के कारण होती है, तो ऐसे में कौन से तथ्य हैं जिनके मध्य परस्पर संबंध बनने से उस घटना को घटित होने का मौका मिला है, या हमारे सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे उसके कारण जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं उनके कौन से कारण उत्तरदायी हैं। जैसे अगर हम समझने जाएं कि अपराध एक सामाजिक घटना मानते हुए हमें अध्ययन करना हो तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अपराध और निर्धनता, अपराध और बेरोजगारी, अपराध और गंदी बस्तियाँ, अपराध के साथ औद्योगिकरण या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच में क्या क्या संबंध पाए जाते हैं, तभी हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकते हैं। क्योंकि अपराध कोई सामान्य या व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि अनेक कारणों के कारण कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करने के लिए विवश होता है। इसी कारण से अपराध को हम सामाजिक घटना मानते हैं, और समाजशास्त्री दुर्खीम ने तो आत्महत्या को भी व्यक्तिगत ना मानते एक सामाजिक घटना माना है, और माना है कि समाज के कारण ही व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए हमें ऐसे अपराधों का कारण समाज, सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक व्यवहारों के मध्य ही खोजने की आवश्यकता है। एक अन्य बिंदु सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करने वाले नियमों को खोजना है। जैसा भी हमने कहा कि समाज में
जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कार्य कारण संबंध है। तो इसी प्रकार हमारा सामाजिक जीवन भी कुछ नियमों के माध्यम से ही एक नियमित रूप में और एक निर्देशित रूप में चलता है, क्योंकि हम कौन से नियमों का पालना करेंगे ये हमारी परंपराओं में, प्रथाओं में, रीति रिवाजों में हमें बालपन से ही सिखाया जाता है। हम उसे आंतरिकृत कर दिया और फिर हमारा जीवन उनको आत्मसात करने के पश्चात एक निश्चित तरीके से निश्चित परिस्थितियों में व्यवहार करना सीख जाता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सामाजिक जीवन में ऐसे कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से हम अधिक उत्तम तरीके से अपने व्यवहार को निश्चित रूप में, व्यवस्थित रूप में कर सकने में सफल होते हैं। एक और सैद्धांतिक उद्देश्य के रूप में नवीन अवधारणाओं का विकास, नवीन सिद्धांतों का निर्माण तथा पूर्व में स्थापित सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना भी होता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील है। समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहा है और परिणामतः मानव व्यवहारों में भी बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हमारी परंपराएं, प्रथाएं, रीतियों में भी परिवर्तन आ गया। परिणामतः हमें कुछ नवीन अवधारणाओं का विकास करने की आवश्यकता है, साथ ही परिवर्तित होते समाज के लिए नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नवीन सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता है तथा पूर्व में स्थापित सिद्धांतों को भी समय समय पर पुनर्परीक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन के साथ ही पुराने सिद्धांतों को यदि संशोधित ना किया जाए तो वो सही निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्ति द्वारा मानव समाज की संरचना को उत्तमता समझना जा सकता तथा उसे बनाने वाली संस्थाओं और समूह की महत्ता को भी हम जान सकने में सफल होंगे। और जितना हम अधिक सामाजिक जीवन को गहन रूप में समझने सफल होते हैं, हमारा समाज पर नियंत्रण